जी हाँ दोस्तों, आज के अपनी इस खास वीडियो में टीवी जगत की कुछ ऐसी हसीनाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं जो बिना शादी के अपने बॉयफ्रेंड संग रहती हैं। ये रिश्ता कुछ अलग ही है इनके बीच। तो हमारी इस लिस्ट में जो सबसे पहले नाम सामने आता है वो है शिवांगी जोशी का। शिवांगी जोशी का जन्म 18 मई 1998 को पुणे में हुआ था। वैसे उन्होंने कई धारावाहिक में काम किया है, यानी टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन उनको बड़ी पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता है से मिली है, जिसमें उन्होंने नायरा के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। इस सीरियल में शिवांगी और मोहसिन की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि दोनों रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिवांगी बिना शादी के मोहसिन के साथ रहती है खबरों के मुताबिक, और खुशहाल जीवन भी बिता रही है। खबरें ऐसी भी सामने आती रहती हैं कि दोनों बहुत जल्द शादी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों बिना शादी के ही एक दूसरे के साथ लंबा वक्त बिता रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हैं अदिति राठौर। जी हाँ दोस्तों, अदिति राठौर भी टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्रियाँ हैं। वैसे उन्होंने अब तक केवल कुछ ही सीरियल्स में काम किया है, लेकिन वह अपने किरदार से इतनी लोकप्रिय हैं कि उन्हें घर घर में अवनी खन्ना के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग आज अवनी और नील की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। इस शो में दोनों पति पत्नी की भूमिका में नजर आए थे। उनके फैंस भी यही चाहते हैं कि दोनों जल्द ही शादी कर लें। ये भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना शादी के ही रहती हैं। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो है वो नाम काफ़ी जाना पहचाना है। ये नाम है हिना खान का। यह अभिनेत्री हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के लिए चर्चाओं में रहती है। इनका जन्म 1987 में हुआ था। अभिनेत्री हिना खान लगभग 10 सालों से निर्देशक रॉकी जायसवाल के साथ रिश्ते में हैं। इन दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। बिग बॉस के घर में आपने देख ही लिया होगा कितना प्यार जताती हैं हिना खान अपने बॉयफ्रेंड पर। अब इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है ईशा सिंह का। ईशा सिंह टीवी की दुनिया की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत अभिनेत्री है। ये टीवी सीरियल इश्क शुभानुल्लाह में मुख्य किरदार में नजर आ चुकी हैं। बता दें ईशा सिंह और अदनान खान एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वैसे दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं ऐसी कुछ खबरें सामने आई थी, लेकिन इसमें भी कितनी सच्चाई है कितना झूठ ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये जितनी भी खबरें दोस्तों आपको बताई है ये रिपोर्ट्स के आधार पर है, लेकिन हाँ इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो आपको बताना लाजमी समझा, इसलिए आप सभी के सामने पेश कर दिया है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।